बीजेडी 25 वर्ष से है लेकिन 25 साल से कुछ किया नहीं है। बीजेडी बीजेपी रे बेसी टक्कर चली थी बीजेडी के। बीजेडी नवीन सरकार दिशा में नवीन अत्र पद्म और अमर के शंख जो दोनों पूरा एकदम पूरा टक्कर टक्कर होगा टक्कर हो पद्म भी आसी पारे बोले। क्या माहौल है भाई साहब यहाँ शंख चिन्ह बोले शंख नवीन का बीजेपी रो चुनाव ज्यादा आसवा बीजेपी को अभी से कहना थोड़ा जैसे कि हम लोग बोल रहे हम लोग रूम रहे ग्राउंड में लोग नहीं बता रहे हैं अपने अपने पार्टी के छोड़ के पार्टी के बाहर के लोग नहीं बता रहे कि इस साल लोग किसको वोट दे रहे हैं। और परिवर्तन चाहते और निश्चय परिवर्तन है वो? देखो नवीन पटनायक 25 वर्ष चार राइज के देखो आम राइज नहीं देखी जेन भी सरकार आसो चाहे बीजेपी आसो चाहे कांग्रेस आसो मते किछि करबा नै न। जय जोहार ओडिशा, आप देख रहे हैं न्यूज 72। मैं हूं हरिबंधु नायक। न्यूज 72 की टीम छत्तीसगढ़ के बॉर्डर ओडिशा सीमा में प्रवेश कर रही है। ओडिशा प्रदेश में जहां लोकसभा चुनाव के साथ साथ विधानसभा चुनाव भी यहां हो रहे हैं, हम यहां से सीधे न्यूज 72 की टीम निकलेगी। इस बार जनता का मूड क्या है हम आपको पल पल की जानकारी देंगे, वहां के लोगों से मिलकर वहां के विचार सुनेंगे कि इस बार ओडिशा में किसका यहां सरकार बनेगा और देश के लिए ओडिशा क्या सोच रहा है, आप देखते रहे न्यूज 72। मैं हूं हरिबंधु नायक, नमस्कार। आपका रोमिला नियाल। क्या लग रहा है इस बार रहा है बीजेडी? बीजेडी निशा निहाल जी। सरकार किसकी बन रही है यहाँ पर? सरकार को किसके रूप में किसको देखना चाह रहे हैं उड़ीसा में फिरते सर? ना नवीन बाबू। न्यूज 72 आज नुआपाड़ा जिला उड़ीसा के नुआपाड़ा जिले में पहुंची हुई है जहाँ पर विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। दीपक होटल में हम लोग हैं। दीपक होटल उड़ीसा का नुआपाड़ा जिला का आसपास के क्षेत्र काफी फेमस है, देख रहे हैं आप लोग काफी भीड़ है और सात्विक और वेज नॉन वेज में लोगों को तृप्त करता है ये भोजन। और हम ओडिशा हमेशा आते रहे हैं लेकिन ऐसा भोजन यहाँ पर एग करी विशेष रूप से फेमस है, बिरयानी फेमस है, लेकिन हम लोग सादा खाए सादा खाकर मन को तृप्ति जो होती है एक सामान्य व्यक्ति को वो हमको हुई है। हम इनसे जानेंगे। शिवम नाम है मेरा। शिवम कुमार नाम जी। कैसा है भोजन यहाँ? अच्छा। कब से आ रहे हैं आप लोग यहाँ? फर्स्ट टाइम। और इस बार क्या लग रहा है? आइडिया नहीं, मैं यहाँ का नहीं, संबलपुर का। संबलपुर में उड़ीसा के अंतर्गत आता। उड़ीसा में किसकी सरकार देखना चाहते? मुझे आइडिया नहीं। आइडिया नहीं आप? हाँ हेलो, बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम दादूराम मराना है। महाराणा जी कैसा लग रहा है होटल में भोजन करके? अच्छा लग रहा है। ठीक है, ये भोजन होटल। अच्छा, उड़ीसा में किसकी सरकार फिर आएगी? आएगी बीजेपी ज्यादा आएगी। क्या? बीजेपी ज्यादा आएगी। बीजेपी। और अभी किसकी सरकार है? अभी तो हमारे नवीन पटनायक है। कैसा काम कर रहे हैं नवीन बाबू? नवीन पटनायक तो कर रहा है उसका हिसाब से कर रहा है। नवीन पटनायक ठीक कर रहे हैं लेकिन हमारा जो स्वच्छ भारत है ना उसको देखना चाहिए। जो गांव गांव में है ना वो एक आदमी दो आदमी एक एक घर का है पार्टी वाला उसी को पैसा दे देते हैं, उसमें हम क्या करें? क्या लग रहा है इस बार ओडिशा सरकार में किसकी सरकार फिर से बनेगी? मिलीजुली सरकार बनेगी। मिलीजुली किस किस की? बीजेपी और नवीन का। नवीन बाबू। हाँ। क्या नाम है आपका? विनोद खेल। कहाँ से? मैं संबलपुर से। आपका? क्या नाम है? मेरा सर श्यामलाल बिरुली है। कहाँ से आए हैं आप लोग? हाँ संबलपुर से। संबलपुर से इस बार ओडिशा में किसकी सरकार बन रही है? वो तो कहना थोड़ा मुश्किल है लेकिन वो जो रुझान आ रहा है इसलिए चलता है
ये किसी को बहुत मिलने वाला नहीं है लगता है। और देश में? देश में तो बीजेपी का ही आएगी। भाई साहब इस बार ओडिशा में किसकी सरकार बन रही है? मालूम नहीं है मुझे किसका। विधानसभा और लोकसभा चुनाव यहाँ दोनों एक साथ हो रहे हैं। देश में किसको देखना चाह रही है ओडिशा के लोग और विधायक किसको बनाना? पता नहीं इस बार कौन आएगा। हम नोएडा से नहीं है ना, बरगढ़ से। बरगढ़ से है, बरगढ़ भी ओडिशा के अंतर्गत आता है। अब नोएडा पूछे ना, इसलिए ओडिशा में किसकी सरकार देखना चाहिए? ओडिशा में इस बार चेंज होना चाहिए, कांग्रेस आना चाहिए। क्या नाम है आपका? राजेश साहू। और देश में? देश में मोदी सही है। हरियाणा से? हरियाणा से। ओडिशा के किसकी सरकार बन रही है? देखो अभी तक मालूम है, कितना कहता है आप लोग चाहते हैं भोजन करने आ रहे हैं। माहौल तो ठीक है, कौन आ रहे तो अभी तो बता नहीं सकते हम। संघ बंजा बीजेपी का कमल का फूल आ रहा है, पंजा आ रहा है या बीजेपी? कमल तो फूल तो सेंट्रल में आ रहा है। और ओडिशा में? देखो होटल में है यहाँ पर जो भोजन करने आए युवा वर्ग है, युवा वर्ग के रूप में देखना चाह रहा है। बताओ क्या नाम है आपका? बारी यादव। बारी यादव, क्या सोच है? मोदी देश में मोदी। क्या नाम है आपका? बारी यादव। बारी यादव, ये थे बारी यादव। और भी साथी जुड़े हुए हैं। क्या लग रहा है बाबूजी, इस बार किसकी सरकार आ रही है ओडिशा में? अभी तक तो हम जा सुने हैं बीजेडी का कंटेस्ट चल रहा है। और देश में? देश में नहीं बोल सकते, यही क्या बोल सकते हैं बीजेडी का नाम है। मेरा नाम भीम यादव है। भीम यादव जी, क्या लग रहा है इस बार? देश में राहुल गांधी जी को बनाना है। उड़ीसा में किसकी सरकार देखना चाह रहे? शरद पटनायक जी ही मुख्यमंत्री बनेंगे। आपका क्या नाम है? भीम यादव। कौन पार्टी का जोर है उड़िया में? तो संगठन तो किसी जाना नहीं पड़वा, दुई पार्टी रो समस्त बराबर टा अच्छे। कौन कौन पार्टी? बीजेडी बीजेपी। बीजेडी बीजेपी, दुई लोग खाली कंपटीशन अच्छे। कार से आसमा जे से प्रभु आशीर्वाद है। उड़ीसा में सरकार किसकी बनेगी? क्या लग रहा है फिर से कौन आ जाएगा? तो हटा किए आसमाज तो कहीं नहीं हो। एक बार नाम बता दो। नाम कौन? नाम मोर ना गोपबंधु पटेल। बाबूजी उड़िया में कौन? बाइन बोलो चाहे बोलो नाम। विश्वामित्र। विश्वामित्र जी, कौन पार्टी का जोर है? हमें पार्टी के तो कौन जोर जो मतलब नहीं ना। पार्टी के केंद्र के काम बोलबो आर एटा करबो। फूल की संख जमु संख के जमु ना ना कहू। नवीन पटनायक। नवीन विदेश जे खटु चोन इटा भल काम होछि के एत नवीन पटनायक अमर कोटा जे कंडीशन जे नुठी छे एमएलए हेमी बोली गनी का लाभ काना दबा एमएलए के भेटी जे पारबे काम रे कोटा नि वाले टा 3-4 हजार टा धरी की गले तो भेटी पारबे एमएलए मन ताके भेटी नि पारबा। ना नाम नाम कोन? हां क्षीरोदर साहब। क्षीरोदर देखो आमर विजु जनता दल जेते वाला जानकी वल्लभ पटनायक उठला विजु पटनायक उठला तापर नवीन पटनायक 25 वर्ष गला एंता कर 50 वर्ष गला नवीन विजु जनता दल काना कला के पश्चिम ओडिशा के किछे ने करबा हला जामा थोरे थोरे चाहू भारतीय जनता दल के नरेंद्र मोदी के जीता मु हतकी हमर अनुरोध। काटावांजी विधानसभा क्षेत्र में आई हुई है जहां पर आज पहुंची है। उस गांव का नाम है गौरी और ये कौन से ब्लॉक में आता है? मुरीवाल। मुरीवाल मुरीवाल ब्लॉक के अंतर्गत आता है गांव गौरी। और गौरी के मतदाता से हम जानेंगे कि इस बार यहां पर किस पार्टी का जोर है, लोग क्या सोच रहे हैं इस बार। क्या नाम है आपका? सुरेंद्र कुमार छुरा। सुरेंद्र कुमार छुरा। छुरा छुरा जी, क्या लग रहा है इस बार नवीन पटनायक जी चुनाव लड़ने आए हुए हैं जो कि 25 वर्षों से ओडिशा में मुख्यमंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं, कितना प्रभाव पड़ेगा थोड़ा विस्तार से? कौन प्रभाव तो पड़ो तर एज परमिट नहीं देवार जरद्वारा लोग पसंद करूना समस्ते पसंद करवर्तन चाहती आश्चय परिवर्तन हेबी। आमर कौन प्रकार फैक्ट्री नहीं,
कौन सी प्रकार माने रोजगार नहीं तेणुक बाहर राज्य को लोक जाते कि साधन ना तेणुक आम सरकार जो अच्छी नवीन पटनायक सरकार कौन सी प्रकार फैक्ट्री ना ये तेणुक बाध्य लोक मैंने दादन खड़ा जाते उनसे पूछेंगे क्या लग रहा है क्या नाम है राजकुमार बाग। राजकुमार बाग जी इस बार क्या लग रहा है कौन पिला मैंने पाठ साठ पढ़ी बेकारी ही किसु मिलू नहीं बेकारी ही बुलूछन किसु गोटे दादन खुली नहीं किन्तु कंपनी गोटे किसु खुली नहीं बेकारी ही बुलूछन और किसु काम भी करी नहीं से लगे आम पिला ताको आम भोट देवा चाहू बीजेपी को बीजेपी सरकार। और आपके नाम बताओ? मेरा नाम मौसी बंसी साहू। मौसी बंसी साहू। बंसी साहू जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बंसी साहू जी क्या लग रहा है इस बार मतदाता क्या सोच रहे हैं? हमें जिंदा चाहूँ जी आज पचीस वर्ष नवीन पटनायक शासन कले किंतु आम ओडिशा से किसी नहीं करी कि आम छुआ मैंने जिते पाठ पढ़ी भी कि जिते मैंने मार्क पाइले भी से आम चाकरी फारी किसी देने नहीं एरिया से चाकरी कर सरकार के बदला भी चाहूँ। 25 साल से यहाँ नवीन पटनायक मुख्यमंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं बीजेडी की सरकार है विकास में क्या क्या काम किए हैं इधर थोड़ा बताओ? तो किसी काम आम एरिया नहीं कर आम छुआ पता सब बर्बाद हो रोच हमें सरकार चेंज कर बीजेपी के वोट देवाले हमें चाहूँ। हम घूम रहे हैं गांव गांव तक सड़कें बनी हुई है पानी की सुविधा बोर लगा है बोरिंग हो रहा है लाइट भी अच्छी है नेटवर्किंग है। देखिए जो मूलभूत आजकल युवा चाहते हैं यहाँ पर नेट चलाते हैं मोबाइल चलाते हैं टावर लगा है हम हर गांव में जा रहे हैं देख रहे हैं टावर लगा हुआ है सड़कें बनी हुई है सड़कों का जाल है शहरों में ऐसा सड़क नहीं है देखने को मिल रहा है तो क्या कहेंगे आम एरिया देखो पानी आमर तिखाली डैम रो सफले कर किंतु अभी कौन सी गांव से पानी सुविधा ही पार्बा नहीं कि आम पानी पाई पार्बा नहीं जेते बोर भी सुविधा नहीं कि आम जमी चाष लगे भी सुविधा नहीं ना से समस्त चाषी मन बहुत असुविधा होती आम नवीन पटनायक नहीं चाहबा एवं आम नुआ के सरकार आम गढ़े आम बीजेपी की चाहूँ। किसकी सरकार आएगी प्रदेश में भी तो आम बीजेपी के चाहूँ ना सर आम अलग चेंज कर आम मुख्यमंत्री कि आम बीजेपी आड़ हेले आम कि सुविधा कर चाहूँ। और भी लोग जुड़े हुए हैं क्या नाम है? मेरा मुंशी साहब। नवीन पटनायक 25 साल से यहाँ पर सरकार चला रहे हैं कितना प्रभाव पड़ेगा थोड़ा प्रभाव जहाँ पड़ुचे ठीक पड़ुचे आर देखो देखो नवीन पटनायक 25 वर्ष चार राज्य के देखु आम राज्य में नहीं देखी चार राज्य में देखु पूर्व ओडिशा के आरो आम ओडिशा एमती अच्छे नवीन पटनायक जी तुम्हारे बाजू में आए थे गांव के मालपारा में आए थे गौनी में आए थे तो क्या उन्होंने कहा सभा में थोड़ा बताओ? नहीं थे कुछ बोले होंगे नवीन पटनायक आप किसु घर द्वार भी इंदिरा आवास जेन बोल प्रधानमंत्री आवास भी सब बिकी गिर खरीदला नवीन पटनायक किसी लोग के मिली क्या नमस्कार मैं ये कहना चाहता हूँ मैं इतना कहवा लगी चाहूँ जिन भी सरकार आसो चाहे बीजेपी आसो चाहे कांग्रेस आसो मत किसी करवा नैन हेले आमर जिनका रास्ता घाट टीएर अच्छे मनीचे ठीक अच्छे जेन भी सरकार आसो बस नहीं बस गुटे गुटे चालू छे अभी हम देख रहे हर गांव में बस सेवा सेवा चालू जा रहा है ठीक अच्छे आम किसी खराब नहीं कहवार नवीन पटनायक भी भल लोग बीजेपी सरकार भी भल लोग कांग्रेस भी भल लोग हेले भल काम करवार लगी चाहबा से लोग परिवर्तन के बदलावा आमर देश के बदलावा आमर छोट छोट छुआ मान के बदलावार लगी चेष्टा करवा बेले से ही करवा हेतिर लगी मत कहबार हेतकी ना मोर ना प्रसन्न कुमार घीवाला प्रसन्न कुमार घीवाला कंदाखाल डुमरे मुड़ा गौरे पंचायत मुरीवाल ब्लॉक। आप देख रहे हैं न्यूज 72 आज फिर गोलाई चौक में पहुंची हुई है जहां के जनता जनार्दन का मूड जानना है। आज यहां पर मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी की बहुत बड़ी सभा हुई है गौरी मालपारा गांव के बाजू में और हम यहां पर गोलाई चौक के यहां जो लोग रहते हैं मतदाता हैं काटावांजी विधानसभा क्षेत्र के उनसे जानेंगे क्या माहौल है भाई साहब यहाँ। शंकर चिन्ह बोल रहे शंकर नवीन का नवीन नवीन बाबू रही प्रथम तो थिला इटा बीजेपी रो इन नवीन बाबू ठीक स्टैंड करिया बोले नवीन बाबू रो नाम आसी पीएस का मूड बीजेडी
नवीन सरकार। नवीन सरकार और राज्य में नवीन सरकार लेकिन देश में मोदी, पूरे देश में नरेंद्र मोदी डंका बजा रहे हैं। ऐसे समय में आसपास के पूरे प्रदेश में विधानसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी ने अपने दम पर जीत कर लाया और सरकार बनाई, लेकिन ओडिशा की जब बारी आती है तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी कमजोर पड़ जाते हैं, इसका क्या कारण है? नवीन बाबू का सब ठीक अच्छी तार योजना सब चली और जो योजना सब उपकृत होते नवीन ना चली से क्या क्या योजनाएं चल रही है? फास्ट तो देखिए को गले हेल्थ कार्ड पे तार अच्छे तापर ए ग्रुप ग्रुप गुडा जोटा कर ग्रुप गुडा पैसा आपर गोटे लोन मन लोन छाड़ कर कृषक लोन छाड़ कर अधिकार प्रपर दे नाम विभुचंद्र महेश इसका नाम विभुचंद्र महेश हम उनसे जानेंगे हमारे यहाँ पर एनपी स्टोर जनरल स्टोर के ऑनर्स हैं क्या लग रहा है भैया इस बार बीजेपी रो चुनाव ज्यादा आसवा आउ बीजेपी एवं टे कम भल लगुच हमको सरकार सरकार ओडिशा किसकी मन नवीन रो बनी जीवो नवीन तो सब मीटिंग फिटिंग रे आउ मा मन के हमर आशा दीदी मन को सबकर अकाउंट रे भी पैसा आउचे आरो भल भल काम रे भी योगदान दोछन आ सब जारे मीटिंग फिटिंग भी होचे बुढ़ा बुढ़ी रो भत्ता फत्ता तापरे आमर विजु स्वास्थ्य कल्याण कल्याण जे आमर अच्छे आधार कार्ड रे सब बेले पैसा भी आउचे आरो आमर जेन मेडिकल क्षेत्र रे भी बहुत तरक्की करिछ और मेडिकल रे भी बहुत उन्नति होचे अपना पर मैं मोटा मु विवेकानंद मेहर बोमुंडा ब्लॉक गोदापदर ग्राम धुलाई चौक में हम यहाँ आए हुए हैं काटावानी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है यहाँ के मतदाता हम जानेंगे इस बार यहाँ का मूड क्या कह रहा है। मुझे जगदीश कुमार मुझे आप प्रणाम पूछी आम निर्वाचन मंडली आम प्रिय मुख्यमंत्री स्वस्थ थर पर उठुंटे स्वर्णाक्षर आम लिपिबद्ध करवा जेहेतु आम प्रिय नवीन पट्टनायक आम 4.5 crore मौरमणि नवीन पट्टनायक विपुल भोटे आम विजयलाभ करवा कहीं आम नवीन पट्टनायक प्रति जीवन टी मूल्यवान दौड़ा से महान व्यक्ति से महान नायक आम नवीन पट्टनायक के भूली पारा ना ये कंटाणी निर्वाचन मंडली घरे घरे पूरे पूरे शंखर शुभ आर एथर स्वर्णाक्षर लिपत करू ष्ठ थर पर विजयलाभ करू ये कंटाणी निर्वाचन मंडली आपका परित्याग मुझ जगदीश कुमार वकिल अच्छी बंगुंडार क्या लग रहा है इस बार रुझान इन्हें तो चर्चा हुई अमर बीजेडी बीजेपी और कांग्रेस तीन टा पार्टी जोरदार अच्छे के जितना ये कही नहीं हुआ यहाँ वोट देलापर एक जना पड़वा मैंने फिर भी बेसी हुई अमर कांग्रेस अमर बीजेडी टी बेसी हो तापरे होचे बीजेपी भी होचे कांग्रेस भी होचे आउ अमर गला जे पैसा रो खेल भी अच्छे आरो लोक के भी भल से देखी कर चिन्ही कर दबार अच्छे पैसा ठिकले भी नहीं हुए काम भी करवार अच्छे आउ मुई भी तो इने के नुआ आइछे आया ना ना गोपबंधु पटेल गोपबंधु पटेल हाँ आउ मुई तो बाहर है माने अमर कॉफी हाउस में यहाँ पर चर्चाएं राजनीतिक चर्चाएं सब यही होती हाँ लोग आते हैं कॉलेज के लोग आते हैं और यहाँ के लोग जो यहाँ आस पास रहते हैं आते हैं क्या करते हैं आपको सब जानकारी रहती है ऐसे हाँ तो ठीक है लेकिन इन्हें भी है सब माने चर्चा है हमारे पार्टी वाले को ठीक चर्चा कॉफी हाउस का क्या नाम है गुड मॉर्निंग कॉफी हाउस आइया ये डीएवी चौक आइया डीएवी चौक गुड मॉर्निंग देश में इस बार क्या मूड है देश के लिए तो मोदी ही ठीक है मोदी ही काम कर रहे हैं इधर मोदी एक ठीक है सर और से तो देश रो का भल काम करी सर मेहर जी ये बताएं कि नवीन पटनायक जी 5 बार के यहाँ मुख्यमंत्री हैं उड़ीसा में उनकी सरकार चल रही है इसका क्या कारण देखो तो हमारा बहुत सौभाग्य जब मैं हमारे मुख्यमंत्री जी के 4.5 crore ओडिशार 4.5 crore लोक ओडिशार अच्छे से मौड़ी मणि मौड़मणि बोली जनाए
आसवार उद्देश्य बहुत कुछ अच्छे पश्चिम ओडिशा विगत 50 वर्ष कांग्रेस शासन अवहेलित होती से उन्नति हवा बोल जिते भी इनके आम अंचल बहुत खुशी अच्छे हमें भी आशा कर मुख्यमंत्री थाना आम बहुत किसी पाइब बोल प्रथम कथा हूँ 147 विधानसभा आम जेन ओडार अच्छे 146 कंटीजेन्सी निर्वाचन मंडल लोक कहे जे मान्यवर मुख्यमंत्री किंतु कंटाबाजी कहवा मान्यवर विधायक सेटा हूँ आमको बहुत गर्वर कथा जे आम प्रथम आम विधायक तरफ ही हुए मुख्यमंत्री और देख रहे हैं ग्रामीण अंचल में काफी लंबे समय से यहाँ बीजेपी का सरकार नवीन बाबू के नेतृत्व में काम कर रही है। पश्चिम उड़ीसा में कोई उद्योग धंधे कारखाने क्योंकि रोजगार की बहुत बड़ी समस्या हम देखते हैं। उड़ीसा से लोग यहाँ के जो मतदाता पलायन करके चले जाते हैं, रोजी रोटी की तलाश में वो दूसरे प्रदेशों का गमन करते हैं, वहां जाकर अपना माने व्यवसाय सुनने से मजबूर है, व्यवसाय करने को मजबूर है। इसका क्या कारण है? नवीन बाबू ने ध्यान क्यों नहीं किया? यहाँ दीर्घ वर्ष है लगी रही आज नवीन पटनायक आसिले 25 वर्ष शासन है 25 वर्ष शासन भितर बहुत किसी उन्नति होती वो आज गहमुंडा कथा कहली गहमुंडा आम जो अच्छु गहमुंडा तहसील अफिस आज तहसील अफिस एटी जेएमएफसी कोर्ट ना जेएमएफसी कोर्ट होमर जो पूर्व विधायक थे हाजी मोहम्मद अयुब खाँ तक विकास पुरुष कह जाए पीरियड में बहुत किसी आगे हवा आज आप कहे द्वादश श्रमिक आज जेन द्वादश श्रमिक होती द्वादश श्रमिक आज नुह ए द्वादश श्रमिक बहुत दिन रू आगु चली आस गए মানে লোকর গোটে পরম্পরা ভুলে চলে তো তাকে কন্ট্রোল করবার লাগি এটাকে কিছু গোটে ব্যবস্থা করবার আছে উদ্যোগ কে বারে মে কহা মে জনতা হমকো কি হে কি কোই কারখানে अगर इस क्षेत्र में আটাবাজি क्षेत्र में हो या राजा खरिया क्षेत्र में हो पश्चिम ओडिशा में कोई लगे से जो रोजगार युवाओं को प्राप्त होने की बात 25 वर्षों में एक भी इस ओर कोई प्रयास क्या हुआ क्या है इसका कारण क्या है थोड़ा जनता जानना चाहती है आपका पुत्र ये कौन सी मान कल कारखाना नहीं कह गए कौन सी कल कारखाना का नहीं किंतु एठिका लोक स्वावलंबी अच्छे आज देखो आमर ये इरिगेशन क्षेत्र रे इरिगेशन ता हेचे नोआपडा डिस्ट्रिक्ट रे किंतु तर भरपूर लाभ पाउछु बगमुंडा ब्लॉक जोडे कोंटाबाजी कंटीजेंसी रे गोटे सबटारो बड ब्लॉक सेति समस्त तमने इरिगेशन रे आज जदि चास करि करे रहबी लोकक मानसिक ठीक रहिबार छि जे आमे चास कले भी आमे कहि परबो आज इरिगेशन रो सुविधा हेछि बगमुंडा प्रत्येक क्षेत्र रे माने जाइ छि आम मानु कलकारखाना ना कि आम आशा आगामी दिन में मुख्यमंत्री आसला निश्चय गोटे दुईटा कलकारखाना करवा लगे आम विजु जनता दल रू भी आम प्रस्ताव देव 25 साल से नवीन बाबू यहाँ मुख्यमंत्री हैं और काफी लोगों के बीच में लोकप्रिय है, लोगों को विधायक एक बार सुनने में पसीना आ जाता है। 25 वर्षों से यहाँ लोगों के दिलों में राज कर रहे हैं, इसका मुख्य कारण क्या है, क्या क्या योजनाएं जनता के हित में बीजू बाबू यहाँ काम कर रहे हैं, थोड़ा जनता जानना चाहती है, बताओ। बिल्कुल नवीन बाबू प्रथम तांको देखे दिले जने जानी पारबे जे किपर जन साधारण मणि तांकर बापा एडे बड़ इंडिया माने बीजू पटनायक वर्ल्ड रो फिगर से थिले खाली केवल इंडिया नहीं किंबा ओडिशा नहीं से वर्ल्ड फिगर थिले तांकर पुओ नवीन पटनायक तांकर ड्रेस आपण देखिले
जन लोक ड्रेस लगे जना पड़ जाती केन प्रकार स्वच्छ थी केन प्रकार सदा सीधा लोक थी से जनई देसी समस्ते जान जाइए नवीन बाबू प्रकार लोक नवीन बाबू के द्वारा चलाए जा रहे जो जन कल्याणकारी योजनाएं कालिया योजना के बारे में हम सुनते हैं और ये 5P ये जो है हर वॉल पे लिखा हुआ है हर पोस्टर पे लिखा हुआ है इसको थोड़ा बताएं 5P मीन्स क्या होता है 5T गुडे एमती ये था फर्स्ट हम जो अच्छी 5T टाइम ट्रांसपोर्टेशन एटा जो अच्छी है क्या ते 5T माध्यम रे अपन प्रत्येक स्कूल जोड़ा के मनीषर मैं प्राथमिकता दिए एजुकेशन से आज 5T माध्यम रे बहुत डेवलप कर नंबर 2 टाइमली से जो काम करूटा को सारी देखते कंप्लीट हो पारे आज देखो आम जो मैंने ये 5T माध्यम रे आम जो नौ छु जो जिनसा भी 5T नहीं थी सब तो सक्सेस तो प्रत्येक जिनस सक्सेस कालिया योजना कौन किंबा एबे एबे उडे आम मैनिफेस्टो दिया जाइछि जे प्रत्येक आम जो SHG बिना सुधारे 1.5 लाख 10 लाख टंका पाइ 10 लाख 15 लाख करा एवं BSKY कार्ड BSKY कार्ड में प्रत्येक BPL परिवार को लेडीज मान को 10 लाख जेंट्स मान को 5 लाख आज पर्यटन कौन मैं तो भावे कौन से लोक आज ये चिंता नहीं करते जोटा कि मुख्यमंत्री निजे चिंता कर जान ये अंचल ओडार कथ ओार लोक कि प्रकार अभाव अच्छा ये प्रकार जब आम सुविधा गोटे देदेमा तो बहुत किसी लोगों को उन्नति करना अपना परिचय बता दें में है क्या नाम है आप अर्थव क्या लग रहा है जिला और विधानसभा है 40 है इलेक्शन दो पार्टी जो पार्टी हा? पार्टी बोले हिंदा दो हमारे कांग्रेस है डबल फूल मोदी सरकार